प्रश्न दिया गया है कि फलन का x के सापेक्ष समाकलन कीजिए। इसमें पहला फलन है 3x प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन का क्यूब इंटू ये x प्लस वन। तो इसका समाकलन करना है, तो हमने लिखा कि माना 3x प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन का क्यूब इंटू एक्स प्लस वन इक्वल टू ए अपॉन एक्स प्लस वन प्लस बी अपॉन, देखिए घात तीन है तो किस प्रकार लिखेंगे, पहले घात एक, उसके बाद एक घात बढ़ाएंगे, फिर एक घात बढ़ाएंगे, अल्टीमेटली एक्स माइनस वन का क्यूब तक। एक बार फिर से देखते हैं, एक्स माइनस यहाँ पर एक्स प्लस वन है, घात एक है तो ए अपॉन एक्स प्लस वन, घात तीन है तो उसको तीन पदों के रूप में लिखेंगे, गुणन तीन पदों के रूप में, b अपॉन एक्स माइनस वन पहला पद, फिर इसका घात एक बढ़ा देंगे तो c अपॉन एक्स माइनस वन का स्क्वायर, फिर प्लस d अपॉन एक्स माइनस वन का क्यूब। अब यहाँ पर हम प्रतिस्थापन का उपयोग करेंगे, थोड़ा सरल हो जाएगा। अब यदि x माइनस वन इक्वल टू y लेंगे तो x इक्वल टू मिल जाएगा वन प्लस वाई, ये प्रतिस्थापन करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3 इंटू x, तो 3 इंटू 1 प्लस वाई प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन का क्यूब, तो ये y का क्यूब और फिर ये x प्लस वन, एक्स प्लस वन दोनों पक्षों में 1 ऐड कर देंगे तो y प्लस टू मिल जाएगा, तो ये y प्लस टू इक्वल टू a अपॉन एक्स प्लस वन, तो ये है y प्लस टू, फिर b अपॉन एक्स माइनस वन, तो ये है y, फिर c अपॉन वाई स्क्वायर प्लस d अपॉन वाई क्यूब। इसको सरल करेंगे तो मिल जाएगा 3 प्लस 3y प्लस 1, तो 3y प्लस 4, तो ये 3y प्लस 4 अपॉन वाई क्यूब और ये y प्लस 2 इक्वल टू a अपॉन y प्लस 2 प्लस b अपॉन y प्लस c अपॉन वाई स्क्वायर प्लस डी अपॉन वाई क्यूब। अब यदि राइट हैंड साइड में हर में जो राशियां दी गई है इसका लघुतम समापवर्तन निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा वाई क्यूब इंटू वाई प्लस टू। अब ये वाई प्लस टू को भाग देंगे, अब वाई क्यूब इंटू वाई प्लस टू को भाग देंगे वाई प्लस टू से, तो उत्तर मिल जाएगा वाई क्यूब, भागफल आएगा। उस वाई क्यूब को हम ए के साथ गुणा करेंगे तो मिल जाएगा a इंटू वाई क्यूब, फिर इस राशि को हर में जो राशि है उसको y से भाग देंगे तो मिल जाएगा वाई स्क्वायर इंटू वाई प्लस टू, तो इसका गुणा हो जाएगा y के साथ, तो ये वाई स्क्वायर इंटू वाई प्लस टू। अब c के हर में है वाई स्क्वायर, इस पूरे पद को हर में जो पद दिखाई दे रहा है इसको वाई स्क्वायर से भाग देंगे तो मिल जाएगा वाई इंटू वाई प्लस टू, उसका गुणा हो जाएगा c के साथ वाई इंटू वाई प्लस टू। अब हर में यहाँ पर जो राशि दी गई इसका भाग करेंगे y क्यूब के साथ तो उत्तर या भागफल आएगा y प्लस टू, उसका गुणा होगा d के साथ, तो d का गुणा y प्लस टू के साथ। तो अब इसे गुणा करते हैं और सरल करते हैं, a इंटू वाई क्यूब b इंटू वाई स्क्वायर इंटू वाई, तो b इंटू वाई क्यूब हो जाएगा, फिर 2b वाई स्क्वायर प्लस सी वाई स्क्वायर प्लस 2cy प्लस dy प्लस 2d, यह है 3y प्लस 4 के इक्वल, 3y प्लस 4, उच्चतम घात है 3, y क्यूब, तो y क्यूब यह आ जाएगा a प्लस b, फिर घात 2 वाला पद यह है और यह है, तो y स्क्वायर इंटू 2b प्लस c, और उसके बाद y वाला पद एक ये पद है और दूसरा ये पद है, तो 2c प्लस d, और फिर 2d जो है यह अचर पद है। तो दोनों पदों में गुणांकों की तुलना करने पर देखिए y क्यूब का गुणांक a प्लस b है, लेफ्ट साइड में y क्यूब वाला पद नहीं है, अर्थात हमें मिल जाएगा a प्लस b इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट y स्क्वायर का गुणांक है 2b प्लस c, 2b प्लस सी, लेफ्ट साइड में y स्क्वायर वाला पद नहीं है अर्थात ये शून्य के बराबर है।
फिर ये यहाँ पर आएगा वाई, वाई का गुणांक है 2c+d, तो 2c+d, और वाई का गुणांक यहाँ पर है 3, तो ये मिल जाएगा 3। और राइट हैंड साइड पर कांस्टेंट है 2d और लेफ्ट साइड पर है 4, तो 2d=4। तो इन समीकरणों को सरल करके हमें ए बी सी और डी का मान निकालना है। तो इस समीकरण को जब आप हल करेंगे तो मिल जाएगा d=2। तो 2d=4 है, तो सरल करने पर आपको मिल जाएगा d=2। उसके बाद में इसमें जब हम प्रोसेस करेंगे d=2 पुट करेंगे तो मिल जाएगा 2c+2=3, तो मिल जाएगा 2c=1, और आपको मिल जाएगा c=1/2। अब इस मान को हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो मिल जाएगा 2b+1/2=0, दैट इम्प्लाइज 2b=-1/2। सॉल्व करेंगे तो b=- मिल जाएगा -1/4। अब a का मान a+b=0 है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा a=-b, दैट मीन्स a=1/4। ए बी सी और डी का मान हमें मिल चुका है। तो एक बार 3y+4/y³(y+2)=a था, तो a की वैल्यू है 1/4/y+2 प्लस b/y, तो b की वैल्यू है -1/4y। फिर c की वैल्यू, तो ये 1/2y². d की वैल्यू 2/y³। अब दोनों पक्षों का हम समाकलन करते हैं, तो माना कि i=, है इंटीग्रेशन साइन 3y+4/y³(y³)(y+2)dy, y के सापेक्ष हम समाकलन करेंगे। इस पूरे पद का जब समाकलन करेंगे तो अचर राशि जो है ये बाहर आ जाएगा समाकलन चिन्ह के बाहर, तो ये dy/y+2, फिर -1/4 dy/y +1/2 dy/y² +2 ∫sin dy/y³। अब इसको हम सरल करते हैं, 1/4 इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा log(y+2), -1/4 इसको सरल करेंगे तो मिल जाएगा log(y) +1/2। वाई का पावर बेसिकली ये -2 है, तो वाई का पावर -2+1/-2+1। फिर इसी प्रकार ये वाई का पावर -3 है, तो वाई का पावर -3+1/-3+1 +c, जहाँ पर c समाकलन नियतांक है। अब आगे जब सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 1/4, ये 1/4 दोनों में है और log वाला पद है, तो इसे आप लिख सकते हैं log(y+2)/y, ऐसा लिख सकते हैं। और फिर ये 1/2, y का पावर -1 और ये -1 +2 y²-2/-2+c, तो 1/4 log(y+2)/y। अब ऋण चिन्ह को यदि आप बाहर ले लें तो -sin(1/2) और ये 1/y, y²-1 है, घात को यदि धनात्मक करना है तो उसे हम हर में ले आते हैं। फिर ये -2 और -2, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, -sin आएगा, और इसे आप लिख सकते हैं 1/y²+c। अब हम प्रतिस्थापन करेंगे y का, x-1 हमने y माना था, तो माना कि जो दिया गया फलन है ये i1 के बराबर है, i1, और ये है 3x+1/(x-1)³(x+1) और फिर ये dx। इन मानों में यहाँ पर y है,
उसको हम x माइनस वाई पुट करते हैं तो हमें उत्तर मिल जाएगा 1/4 लॉग x माइनस वन प्लस टू अपॉन x माइनस वन, फिर माइनस वन अपॉन टू x माइनस वन, फिर माइनस वन अपॉन x माइनस वन का स्क्वायर प्लस c, जहाँ पर c समाकलन नियतांक है। ये मिल जाएगा 1/4 लॉग x प्लस वन अपॉन x माइनस वन माइनस 1/2 ये x माइनस वन, फिर माइनस वन अपॉन x माइनस वन का स्क्वायर प्लस c। तो ये दिए गए फलन का समाकलन है जो कि हमें ज्ञात करना था। तो हर में जो राशि दी गई है x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, इसका पहले हम गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो प्रथम दोनों पदों से हम यदि एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में आएगा x माइनस वन, और फिर अंतिम दोनों पदों में यदि हम माइनस वन कॉमन लेते हैं तो हमें मिलेगा वहाँ पर x माइनस वन। अब दोनों पदों पर x माइनस वन है, उसे उभयनिष्ठ लेंगे तो मिल जाएगा x माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन। और यदि इसे आप और सरल करना चाहें तो लिख सकते हैं, चूँकि एक्स स्क्वायर माइनस वन को हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, तो उसे सरल करने पर आगे हमें यह मिला है। तो एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन करेंगे तो मिल जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन। तो माना वन अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू ए अपॉन एक्स माइनस वन, ना लिख करके पहले हम एक्स प्लस वन लिखेंगे, ए अपॉन एक्स प्लस वन प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वन प्लस सी अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। इस प्रकार के आंशिक भिन्न हम हल कर चुके हैं, तो आगे हमें मिल जाएगा वन इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन प्लस सी इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन। ए वन इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन प्लस सी इंटू एक्स प्लस वन। अब हम ब्रैकेट ओपन करके गुणांकों की तुलना करके भी सरल कर सकते हैं, लेकिन अब हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करके कोफिशिएंट्स कलेक्ट करेंगे। तो वन इक्वल टू मिल जाएगा ए इंटू एक्स माइनस वन का स्क्वायर करेंगे तो मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, फिर प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस सी इंटू एक्स प्लस वन। वन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये घात दो वाले पद हैं, ये ए और ये बी, फिर एक्स वाले पद हैं ये और ये, तो इसे आप लिख सकते हैं एक्स इंटू सी माइनस टू ए, फिर कांस्टेंट टर्म है ए माइनस बी प्लस सी, ए माइनस बी प्लस सी। अब गुणांकों की तुलना करेंगे, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है यह है ए प्लस बी, और लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर का कोई भी पद नहीं है तो ये मिल गया शून्य। इसी प्रकार राइट साइड पर c माइनस टू ए है x का गुणांक, और लेफ्ट साइड पर शून्य है, और अचर राशि है a a माइनस बी प्लस सी, और लेफ्ट साइड पर है वन। तो हम यहाँ से पहले हल करना शुरू करते हैं, a इक्वल टू माइनस बी मिल जाएगा,
और ये मान को हम यहाँ पर रख देते हैं तो c माइनस टू इंटू माइनस बी इक्वल टू ज़ीरो, या फिर c प्लस टू बी इक्वल टू ज़ीरो। ए का मान b के पदों में, यहाँ से c का मान b के पदों में। इन दोनों मानों को, ये मान और ये मान, इसको हम इस समीकरण में रख देते हैं। ए का मान माइनस बी, और फिर ये माइनस बी पहले से है, और फिर c का मान माइनस टू बी इक्वल टू वन, दो तीन और एक चार। तो इस प्रकार आपको मिल रहा है b इक्वल टू माइनस वन अपॉन फोर। यहाँ से आपको a का मान माइनस बी मिल जाएगा, यहाँ से a इक्वल टू माइनस माइनस प्लस वन बाई फोर। ए का मान मिल गया, b का मान मिल गया, c का मान c इक्वल टू माइनस टू इंटू बी, ये वन बाई टू मिल जाएगा। तो c इक्वल टू वन बाई टू, ए बी और c का मान मिल चुका है, a इक्वल टू वन बाई फोर, बी इक्वल टू माइनस वन बाई फोर और c इक्वल टू वन बाई टू। इन सब मानों को इस आंशिक भिन्न वाले पदों में रख करके हम आगे उसका समाकलन करेंगे। तो ये हमें मिल जाएगा वन बाई फोर, और यहाँ पर ये x प्लस वन, फिर माइनस वन बाई फोर एक्स माइनस वन, वन बाई टू एक्स माइनस वन का स्क्वायर। दोनों डी एक्स अपॉन वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू वन बाई फोर इंटीग्रेशन साइन डी एक्स अपॉन एक्स प्लस वन इंटीग्रेशन डी एक्स एक्स माइनस वन प्लस वन बाई टू। आगे समाकलन करते हैं, वन बाई फोर इसका समाकलन करेंगे तो मिल जाएगा लॉग ऑफ एक्स प्लस वन, इसका समाकलन करेंगे तो मिल जाएगा लॉग ऑफ एक्स माइनस वन, और वन बाई टू इसका समाकलन करेंगे तो मिल जाएगा एक्स माइनस वन का पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन, और फिर प्लस सी, जहाँ पर सी समाकलन नियतांक है। दोनों पदों में एक बटे चार उभयनिष्ठ है और दोनों का अंतर है, तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन, और फिर माइनस टू प्लस वन आपको मिल जाएगा माइनस वन, मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस वन बाई टू, और फिर एक्स का पावर, एक्स माइनस वन का पावर माइनस वन है, तो इसे आप वन अपॉन में भी लिख सकते हैं, वन अपॉन एक्स माइनस वन प्लस सी। तो ये दिए गए फलन का समाकलन है। या फिर आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन साइन डी एक्स अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू वन बाई फोर लॉग ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन माइनस वन अपॉन टू एक्स माइनस वन प्लस सी। तो ये दिए गए फलन का समाकलन है जो कि हमें ज्ञात करना था। तो अगला फलन दिया गया है वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू वन अपॉन एक्स माइनस वन। इसका फलन या इस फलन का समाकलन हमें x के सापेक्ष करना है, तो पहले हम इसे आंशिक भिन्नों में परिवर्तित करेंगे और हम लिखेंगे माना x प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन इक्वल टू a अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन एक्स प्लस वन प्लस सी अपॉन एक्स प्लस वन का स्क्वायर। तो इस प्रकार के आंशिक भिन्न हम सरल कर चुके हैं और हमें मिल जाएगा वन इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस वन का स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन प्लस सी इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन सी इंटू एक्स माइनस वन। अब आगे ब्रैकेट ओपन करके या दो पदों का जो विस्तार है एक्स प्लस वन का उसका स्क्वायर आगे लिख करके सरल करेंगे तो मिल जाएगा वन इक्वल टू ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस सी इंटू एक्स माइनस वन। अब ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा वन इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स प्लस ए प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस सी एक्स माइनस सी। अब गुणांकों की तुलना करेंगे, ये पहले गुणांक को कलेक्ट कर लेंगे तो मिल जाएगा वन इक्वल टू एक्स स्क्वायर और इसका गुणांक है ए प्लस बी, फिर प्लस x इसका गुणांक है 2a प्लस सी, फिर कांस्टेंट है प्लस a माइनस बी माइनस सी।
अब हम गुणांकों की तुलना करेंगे दोनों पक्षों पर और फिर इसे सरल करके ए बी और सी का मान ज्ञात करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक राइट साइड में ए प्लस बी है और लेफ्ट साइड में वह पद नहीं है अर्थात शून्य है, तो हमें मिल जाएगा ए प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो। और फिर x का गुणांक राइट साइड पर है 2a प्लस सी और लेफ्ट में x वाला पद नहीं है अर्थात हमें मिल जाएगा 2a प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। और राइट हैंड साइड पर a माइनस बी माइनस सी ये कांस्टेंट राशि है और लेफ्ट में 1 है, तो आगे हमें मिल जाएगा a माइनस बी माइनस सी इक्वल टू 1। पदों में b इक्वल टू माइनस ए और यहाँ से c का मान निकाल लेते हैं a के पदों में और इन सब मानों को हम इस पे रख देते हैं, तो ये a माइनस बी और b की वैल्यू है माइनस ए माइनस सी और c की वैल्यू है माइनस टू ए इक्वल टू 1। आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो a प्लस टू ए इक्वल टू 1 टू थ्री फोर, तो a इक्वल टू मिल जाएगा 1 बाई फोर। a इक्वल टू 1 बाई फोर तो b इक्वल टू माइनस ए, तो ये माइनस 1 बाई फोर और c का मान माइनस टू ए, तो ये 1 बाई फोर, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा c इक्वल टू माइनस 1 बाई टू। ए बी और c का मान मिल चुका है, a का मान 1 बटे चार, b का मान ऋण 1 बटे चार और c का मान ऋण 1 बटे दो। अब इन मानों को इस समीकरण एक में रख करके आगे हम समाकलन करेंगे, तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 1 बाई फोर एक्स माइनस 1 फिर माइनस 1 बाई फोर एक्स प्लस 1 फिर माइनस 1 अपॉन 2 इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, दोनों पक्षों का समाकलन, तो इंटीग्रेशन साइन dx अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 1 बाई फोर, कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, dx अपॉन एक्स माइनस 1 1 बाई फोर अगेन कॉन्स्टेंट है, dx अपॉन एक्स प्लस 1 और फिर ये 1 बाई टू अगेन dx अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 1 बाई फोर लॉग ऑफ एक्स माइनस 1 माइनस 1 बाई फोर लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस 1 बाई टू प्लस 1 और माइनस 2 प्लस 1 करेंगे तो मिल जाएगा माइनस 1 प्लस सी, जहाँ पर सी समाकलन नियतांक है, तो ये आपको मिल जाएगा 1 बाई फोर लॉग ऑफ एक्स माइनस 1 माइनस 1 बाई फोर लॉग ऑफ एक्स प्लस 1, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 1 बाई टू और x का पावर माइनस 1, तो इसे आप हर में लिखना चाहें तो हर में इस प्रकार लिख सकते हैं और चाहें तो इन दोनों पदों में जो लॉग के फॉर्म में है उसे भी इसे भी आगे सॉल्व कर सकते हैं, वो कुछ इस तरीके से 1 बाई फोर को आप उभयनिष्ठ ले लें तो फिर लॉग के साथ में है x माइनस 1 और माइनस के फॉर्म पर है, तो ये कुछ इस तरीके से परिवर्तित हो जाएगा और फिर ये 1 बाई टू इंटू एक्स प्लस 1 और फिर ये प्लस सी, तो ये जो पद दिया गया था उसका समाकलन हमने ज्ञात कर लिया है और यही वह उत्तर है जो हमें ज्ञात करना था।